जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है। ये वीडियो टाइमलेस है, इसे आप कभी भी देख सकते हैं। आपकी लाइफ में इस टाइम कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप काफ़ी रो रहे हैं, आप काफ़ी सैड एनर्जी में हैं, आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में किसी दो में से एक चीज़ चुनने के लिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, इतनी सैड एनर्जी में हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कुछ सोचने की स्थिति में ही नहीं है। उनको अब ऐसा लगने लगा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता है, मेरी लाइफ में कभी खुशियां आएंगी ही नहीं, इस बार आपकी सुनेंगे ही नहीं, आप ये सब सोच रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमारी ज़िंदगी में सोचने का असर बहुत बड़ा होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो सबसे पहले आप सोचते हैं। अगर हमें खुद के लिए कुछ लेना होता है या हमें अपनी फैमिली के लिए कुछ लेना होता है तो हम उसे सोचते हैं फिर लेते हैं ना। तो इसी तरह से आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। आप पॉजिटिव सोचिए, आपको पॉजिटिव मिलेगा, देर से मिलेगा पर पॉजिटिव मिलेगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है हमारे साथ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में नेगेटिव लिखा नहीं है फिर भी वो नेगेटिव सोच करके नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है मेडिटेशन करने का, कुछ लोगों का ज़्यादा देर मन नहीं लगता है मेडिटेशन करने में। अगर आप किसी भी वजह से मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो आपसे हम इतना बोलेंगे कि आप नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, आप नेगेटिव रहना बंद कर दीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा है तो भी आप नेगेटिव को पॉजिटिव तरह से सोचिए, पॉजिटिव तरह से लीजिए कि इसमें कोई बात होगी इसी वजह से ये ऐसा हुआ होगा। आप उसको पॉजिटिव तरह से सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाएगा। आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करते तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी ढेर सारी, आपकी लाइफ में एक नया रास्ता आ जाएगा जो आपको जीना सिखाएगा, आपकी लाइफ में एक खुशी का रास्ता मिल जाएगा जिससे आप जीना सीख जाएंगे। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं पर हमें उस समय संभलने की ज़रूरत होती है। नेगेटिव अगर हम हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स तो पहले हमारी लाइफ में आ रही है, और अगर हम नेगेटिव हो जाएंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी ना। तो इसलिए आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। एंजल आपसे बोल रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी खुशियों की तरफ कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको नेगेटिव मिलेगा। ईश्वर आपसे बोलना चाहते हैं कि आप अभी पास्ट को छोड़ करके आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं, आप खुशियों की तरफ कदम बढ़ाइए, उसे मैनिफेस्ट करिए, करियर में ध्यान दीजिए, पॉजिटिव होकर आपको सब मिलेगा। गॉड का मैसेज है आपके लिए, आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। आप अपने लिए पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए। आप अपने पास्ट के बारे में इतना मत सोचो, जो हो गया हो गया। आपकी पास्ट लाइफ में जो हो गया है उससे आप मूव ऑन करना सीखो, उसे सोचकर दुखी ना हो। आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना सीखो। ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आपकी लाइफ में दुख आया है तो दुख ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुख के बाद सुख भी आता है। गॉड आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर आपके लाइफ में इस टाइम दुख चल रहा है तो आपकी लाइफ में दुख के बाद सुख आने वाला है। तो हील करिए, खुद की एनर्जी को बैलेंस करिए, आप खुद के अंदर चेंज लेकर आइए। जो आप सैड सॉन्ग सुनते हैं, सैड एनर्जी में रहते हैं, गॉड आपसे कहना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए, आप खुद को बैलेंस करिए, आप पॉजिटिव तरह से हर चीज़ को सुनिए, नेगेटिव चीज़ों को सुनना बंद करिए। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ में ही रहते हैं, नेगेटिव सुनते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव कुछ नहीं होगा। इसलिए आप पॉजिटिव सुनना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए, आपके साथ सब ठीक हो जाएगा। आप अपने सोच पे ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं। इस पर आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप अकेले खुश रहना सीखिए तो कभी आप दुखी नहीं हो सकते हैं। आप अपने साथ खुश रहना सीखिए। ईश्वर आपको, गॉड आपको मैसेज ये भी देना चाहते हैं, आप अभी जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं बहुत जल्द इस प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे। आप कोशिश करिए, आप इससे हार मत मानिए, आप कोशिश करिए इससे निकलने की, आप बहुत जल्द इससे निकल जाएंगे।
आपके साथ हैं आपके एंजल्स। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी अपने बारे में सोचिए, अपने करियर के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। सब आपको मिलेगा जो भी आप चाहते हैं। और अभी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं। और गॉड आपसे ये बोलना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए। उन प्रॉब्लम्स के बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। और आपको जो भी चीज़ चाहिए आप उसे सिर्फ मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगी। कुछ लोग हैं जो किसी काम को लेकर बहुत सोच रहे हैं, उन्हें गॉड बोलना चाह रहे हैं कि आप जो करना चाहते हैं वो आप करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, आप खुद पर फोकस करें, खुद के बारे में सोचिए, अपने करियर के बारे में सोचिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका गुड लक आपके साथ है, आप उसका इस्तेमाल करें। आप इस टाइम जो भी अपने लिए करेंगे उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी। ये टाइम आपका खुद पे ध्यान देने का है, खुद के बारे में सोचने का है, खुद का करियर के बारे में सोचने का है, खुद के फ्यूचर के बारे में सोचने का है। तो आप इस वक्त खुद पे ध्यान दीजिए। कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं इसलिए आप इतनी प्रॉब्लम को देख रहे हैं अपनी लाइफ में। जो लोग ट्विन फ्लेम लाइफ में होते हैं उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। आपके साथ आपके एंजल्स हैं, आपको पॉजिटिव होकर आगे लाइफ में बढ़ना है, आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। कुछ लोगों को अपनी लाइफ में इनर वर्क कंप्लीट करना चाहिए तो आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो जाएगा। अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे तो वो आपसे बात करेंगे, आप उन्हें मैनिफेस्ट करिए, आपके पर्सन से आपका यूनियन जरूर होगा। गॉड आपसे बोलना चाहते हैं, आप पॉजिटिव रहिए, खुद पर ध्यान दीजिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। एंजल आपके साथ हैं, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म होगी और आपके पार्टनर से आपका यूनियन जरूर होगा। डियर आप अपना ध्यान रखिए, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। और कुछ लोग हैं जिनको ईश्वर ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है तो उनकी मैरिड लाइफ का क्या होगा। तो आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए, आप जो चाहते हैं वो होगा। आपके पार्टनर आपको समझते नहीं है तो आपके पार्टनर आपको समझने लगेंगे, बहुत जल्द आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी लाइफ होगी। आप पॉजिटिव रहिए, आप पॉजिटिव सोचिए, आप अपना ध्यान रखिए। आपसे हमारा ये वीडियो कितना मैच हुआ है प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए, हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।